नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैट सॉल्यूशंस ग्वालियर आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह कैट सॉल्यूशंस ग्वालियर द्वारा इंटीरियर डिजाइनिंग सेल्फ लर्निंग लेक्चर सीरीज का वॉल पर थ्री डायमेंशनल टेक्सचर डिजाइन करने का फोर्थ स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप वॉल पर थ्री डायमेंशनल टेक्सचर डिजाइन सिंपल मेथड से देखेंगे, तो इस मेथड को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को आखिरी तक देखें। और अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह थ्री डायमेंशनल वॉल टेक्सचर हमने 8 फीट बाय 6 फीट वॉल साइज के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपको यह डिजाइन साइज में छोटा लगता है तो आप डायमेंशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर आप वॉल पर एक से ज्यादा डिजाइन बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, 3D वॉल टेक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न प्रिपेयर करेंगे। पैटर्न बनाने के लिए हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज कार्डबोर्ड शीट यूज की है, जो किसी भी स्टेशनरी शॉप से आप परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले कार्डबोर्ड शीट पर 1 फीट लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन की एक एंड पॉइंट से 60 डिग्री एंगल पर ऊपर की तरफ हाफ फीट की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह इस एंड पॉइंट से नीचे तरफ भी 60 डिग्री एंगल पर हाफ फीट की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी प्रोसेस से लाइन के सेकंड एंड पॉइंट से भी 60 डिग्री एंगल पर हाफ फीट लेंथ की ऊपर और नीचे भी लाइन ड्रॉ करना है। अब दोनों लाइन के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हेक्सागोनल प्रिपेयर हो गया है। इसके बाद इस हेक्सागोनल को पेपर नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। अब इस हेक्सागन को सीट पर रखेंगे और पेंसिल की हेल्प से इसका आउटर ट्रेस कर लेंगे। अब हम हेक्सागन के बॉटम कॉर्नर से हाफ फीट लेंथ की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वर्टिकल लाइन को फिगर के अकॉर्डिंग हेक्सागन के दो कॉर्नर से जॉइन कर देंगे। इसके बाद हम तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पर शार्प टूल की हेल्प से होल क्रिएट कर लेंगे। यही हमारा फर्स्ट पैटर्न है। सेकंड पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले सीट पर फर्स्ट पैटर्न को रखेंगे और फिर इस हेक्सागोन पैटर्न के दो साइड्स के मिड पॉइंट मार्क कर देंगे और फिर दोनों मिड पॉइंट से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पैटर्न को फिगर के अकॉर्डिंग पेपर नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। यही हमारा सेकंड पैटर्न है। अब इस पैटर्न को फर्स्ट टाइम वॉल पर फिगर के अकॉर्डिंग रखना है और फिर पेंसिल की हेल्प से इसका आउटर ट्रेस कर लेंगे। अब हम सेकंड पैटर्न को फिगर के अकॉर्डिंग वॉल पर रखेंगे और इसका भी आउटर ट्रेस कर लेंगे। इसी तरह आप सेकंड पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप फिगर के अकॉर्डिंग रखें और इनका आउटर ट्रेस कर लें। यहाँ पर हमारा पैटर्न का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पैटर्न की हेल्प से वॉल पर जो होल मार्क किए हैं, उन सभी को कॉर्नर पॉइंट से फिगर के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ड्राइंग वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए सीक्वेंस का ध्यान रखें, तभी ऑप्टिकल इल्यूजन जैसी फीलिंग आएगी, यानी आपको ऐसा लगेगा कि वॉल पर आपने कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट कलर किस तरीके से फिल किया है। पहला कलर फिल करने के बाद अब हम दूसरा कलर फिल करेंगे कुछ इस तरीके से।
इसी तरीके से थर्ड कलर भी फील करेंगे। आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग कलर की चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके सामने एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को अच्छे से देखें और हमारी वीडियो को लाइक करना और नई वीडियो ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड गुड बाय।